नमस्कार दोस्तों, आज इस फेलोशिप ऑफ द फ्लूट के टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा मेडिटेशन हम करने वाले हैं। सभी लोग आराम से बैठ जाइए, पीठ को बिल्कुल सपोर्ट लेकर बैठे, आंखें बंद कर ले। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। गर्दन को रिलैक्स करने के लिए सांस लेते हुए मन को गर्दन पर केंद्रित करें, सांस छोड़ते हुए मन को नाक के बाजुओं पे केंद्रित करें। उसी प्रकार अपने सर के पिछले हिस्से को और अपने सर को रिलैक्स करें। उसी प्रकार अपने चेहरे को रिलैक्स करें और आंखों को रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपने मन को रिलैक्स करें। अर्थात मन में जो भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं और प्रवाहित हो रही है, उनके केवल साक्षी बन के रहिए। भावना चाहे सुखद हो या दुखद हो, सबको ओके बोलिए, सबका स्वीकार करें। धीरे धीरे आपका मन आपके तालू पर केंद्रित करें। वहां पर मेरा हाथ है। मेरे हाथों से आपके तालू में सुनहरी लहरें प्रवाहित हो रही हैं, उसके बारे में सतर्क हो जाइए। सांस छोड़ते हुए मन को नाक के बाजुओं पे केंद्रित करें। आपके चेहरे को बिल्कुल रिलैक्स रखें। स्मित हास्य लाए आपके होठों पे, तो आपकी जो फेस पर जो रिलैक्सेशन आना चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। आपके जो रिंकल्स है फोरहेड पे वो गायब हो जाएंगे एक स्मित हास्य से। आंखें भी रिलैक्स रखें। लहरों की प्रवाह के बारे में सतर्क रहें। सांस छोड़ते हुए मन को नाक के बाजुओं पे केंद्रित रखें। धीरे धीरे आपका मन आपके फोरहेड के पीछे जो आप ब्रेन का हिस्सा है वहां पर केंद्रित करें। वहां पर सुनहरी लहरें प्रवाहित हो रही हैं, उसके बारे में सतर्क हो जाए। सांस छोड़ते हुए मन को नाक के बाजुओं पे केंद्रित करें, केंद्रित रखें।
धीरे धीरे मन को अपने गर्दन के स्पाइन पर केंद्रित करें। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ओवर द स्पाइन ऑफ योर नेक। वहां सुनहरी लहरों का प्रवाह हो रहा है, उसके बारे में सतर्क हो जाए। सांस छोड़ते हुए मन को नाक के बाजुओं पे केंद्रित करें। सांसें बिल्कुल आरामदायक रखनी है, चेहरे को रिलैक्स रखें। धीरे धीरे आपका मन आपके पीठ के ऊपरी हिस्से के स्पाइन पर केंद्रित करें। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ओवर द स्पाइन ऑफ योर अपर बैक। वहां सुनहरी लहरें प्रवाहित हो रही हैं, उसके बारे में सतर्क रहें, सतर्क हो जाएं। सांस छोड़ते हुए मन को नाक के बाजुओं पे केंद्रित रखें। धीरे धीरे आपका मन आपके हृदय पे केंद्रित करें। वहां सुनहरी लहरें प्रवाहित हो रही हैं, उसके बारे में सतर्क हो जाएं। सांस छोड़ते हुए नाक के बाजुओं पे मन केंद्रित रखें। सांसें बिल्कुल आरामदायक रखें। चेहरा, फोरहेड, आंखें बिल्कुल रिलैक्स रखें। आपके हृदय में जो सुनहरी लहरें प्रवाहित हो रही हैं, उसके बारे में सतर्क रहे और जाने कि चैतन्य का निवास आपके अंतःकरण में है, आपके हृदय में है। धीरे धीरे अंतःकरण में जो चैतन्य का प्रवाह हो रहा है, वो आपके हाथों के तलवों में हो रहा है और आपके पैरों के तलवों में भी हो रहा है, उसके बारे में सतर्क हो जाएं। पूरे शरीर में, आपके तालू में, हाथों में, हाथों के तलवों में, पैरों के तलवों में जो सुनहरी लहरें प्रवाहित हो रही हैं, वो आपके सभोताल के अवकाश के साथ एकरूप हो रही है, उसके बारे में सतर्क हो जाएं।
धीरे धीरे सभोताल का अवकाश ब्रह्मांड के साथ एकरूप हो रहा है, उसके बारे में सतर्क हो जाइए। धीरे धीरे शरीर के बारे में सतर्क हो जाए। सांसों की तरफ ध्यान दें। अंतःकरण में चैतन्य का जो निवास है उसके बारे में सतर्क हो जाए। आपका मन दो भुवाओं के बीच केंद्रित करें। मन में पिछले 2-3 महीनों में या फिर पिछले कुछ दिनों में अगर आपके साथ कोई विपरीत परिस्थिति बनी हुई हो तो उसके बारे में सोचें, प्रतिकूल परिस्थिति के बारे में सोचें और मन में सतर्कता से घोषित करें, ये परिस्थिति और इसमें शामिल सभी व्यक्तियां ये मुझे स्थिरता की तरफ लेकर जाने वाले मेरे सहकारी हैं। अगर आपके मन के अनुसार कोई काम नहीं हुए हैं, आपके मन के अनुसार आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिले हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, सालों में, उनके बारे में सोचें और मन में सतर्कता से घोषित करें, हर कर्म मैं मेरे आनंद के लिए कर रहा हूं, मैं किसी के साथ या मेरे खुद के साथ तुलना नहीं कर रहा हूं। धीरे धीरे हाथों को नमस्कार की स्थिति में रखें। बंद आंखों से आपके मझले फिंगर्स के टिप्स को देखें, मझली उंगली के टिप्स को देखें। मझली उंगलियों के अग्रों को देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। धन्यवाद।